हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन यूनिसेक्स सैलून। आज हम करेंगे अंडरलाइन हेयर कट, तो इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल है, तो आप इसको देखते रहें और आखिरी में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप बताना कैसा है। तो यहाँ पे हम पहले कॉम करेंगे, कॉम करके हमने यहाँ से एक नंबर का क्लिपर यूज़ करना है, एक नंबर का ये अंडर कट रखना है। यहाँ से साइड से ये इसमें जैसे किया जा रहा है उसको आप फॉलो करना है। जो करने वाले और जो करवाने वाले हैं वो पूरा ट्यूटोरियल देखें, ताकि करवाने वाले ये समझ पाए कि किस तरीके से हेयर कट हो रहा है और करने वाले ये समझ पाए कि कैसे किया जाता है। तो इसमें आप ये देखो, बैक साइड से एक नंबर और साइड से एक नंबर का यहाँ पे पहले स्लोप बनाना है। साइड के कट को स्लोप कट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम अंडर कट करेंगे, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे बाद में। तो आप देखते रहो कि यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन से ट्रिमर से दोनों तरफ से एक नंबर लगाने के बाद अब जीरो, बिल्कुल जीरो पे कर देना है इसको साइड से। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल शार्प हो जाएगा, जो स्किन फेड होता है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि स्किन यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। और जो अनइवन हेयर्स होते हैं नेक पे, इसको सबको मर्ज कर देना है। और यहाँ पे कोई अभी कट नहीं लगाना है, कोई रेजर फेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको जीरो करना है। और यहाँ पे देखो ट्रिमर काफ़ी शार्प तरीके से यहाँ पे अपना काम कर रहा है। हमने पहले कॉम कर ली थी ताकि बाल इधर उधर ना जा सके, ठीक है। और फेस के अकॉर्डिंग कट करना बहुत ज़रूरी है, फेस का कॉम्प्लेक्शन कैसा है उस पर यह हेयर कट सूट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जो हेयर कट लिया था उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और ये इस फेस पे काफ़ी अच्छा लगेगा होने के बाद। यहाँ पे यह कट चल रहा है पूरा तरीके से। अब ये हमारी साइडें सारी मर्ज हो चुकी हैं, ये जीरो नंबर यहाँ से लग चुका है। अब हम यहाँ पे जो अंडरकट का जो अपर पार्ट है इसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे, ताकि जो यहाँ पे डिसकनेक्शन आ रहा है वो ना दिखे, मर्ज हो जाए। क्योंकि यहाँ देखो आप, ये साइड्स के ऊपर के बाल काफ़ी बड़े हैं और साइड हमने जीरो कर दिए हैं, तो इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पर हमें मिक्सिंग करनी पड़ेगी। और इसको तिरछे कंघे के थ्रू, मतलब ट्रायंगल फॉर्म के थ्रू इसको हमने यूज़ करना है, और जो टिप्स होते हैं हेयर्स के उसको मर्ज कर लेना है। ज़्यादा बाल नहीं काटने, सिर्फ टिप्स काटने हैं, ताकि यहाँ पे शाइनिंग आ जाए। अब ये हमने माइनस जीरो वाला ट्रिमर, जो वॉल का सबसे बढ़िया ट्रिमर है ये, इसको टैटू के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर लिया इसको। अब यहाँ पर हम एक पूरा कट बनाने के बाद इसको रेजर से भी साफ़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे शेविंग जेल, जो इसको काफ़ी स्मूथ कर देगा, जिससे इचिंग और जो दर्द होता है रेजर का वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे ले लिया हमने शेविंग जेल, शेविंग जेल से हम इसको स्मूथ कर लेंगे स्किन को, क्योंकि जब हम ब्लेड चलाएँ तो कोई इचिंग, कोई दर्द या कुछ खिंचाव ना पड़े स्किन पर, कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो इसको हम स्मूथ कर लेंगे, मुलायम कर लेंगे। अब यहाँ पे हम रेजर से इसको लाइन की शेप दे रहे हैं, और ये काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो भाई जो भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और उसका कॉन्सेप्ट तैयार करने में। तो ये एक डिमांडिंग हेयर कट है जो हमारे इस भाई साहब ने हमसे मांगा था, तो हम कर रहे हैं। ये एक डिमांडिंग हेयर कट है, तो यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है उसकी वीडियो बनाने में, उसको शेयर करने में। तो अब ये जो हमारा माइनस जीरो ट्रिमर है, इससे हमने जो बचे कुचे अनइवन हेयर थे वो सारे मर्ज कर लिए, ताकि ये जो शार्पनेस है, ये जो हमने कट दिया है साइड में, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखे। तो अगर यार पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना,
वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। और हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती हैं, तो कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो भी आप पूरा वीडियो देखते रहिए। इस तरीके से यहाँ पे पूरा मेहनत की जा रही है हेयर कट के ऊपर, क्योंकि हेयर कट करने में तो वैसे आधा घंटा मैक्सिमम लगता है, लेकिन कई हेयर कट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उनमें से एक ये हेयर कट है जो एक डिमांडिंग हेयर कट था, तो हम इसको पूरा करेंगे। जो ऊपर के हेयर से हम इसको मर्ज कर रहे हैं ताकि ये अनइवन ना दिखे। साइड से हमने रेजर लगा दिया है, शार्प कर दी है लाइन, और इस तरीके से आप देखते रहिए। जो नए हेयर ड्रेसर बन रहे हैं, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना सीख सकते हैं। जो लोग हेयर कट कराना जिनको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कम दिनों में जल्दी हेयर कट कराते हैं, जो अपनी ग्रूमिंग को ओके रखते हैं डे बाय डे, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है अपने लुक्स के लिए नए नए हेयर स्टाइल जो चलते हैं मार्केट में, उसको देखने के लिए। यहाँ पे हम जीरो ट्रिमर से, जो हमने उस साइड से अनइवन बाल एक जैसे किए थे, यहाँ पे भी हम एक जैसे बाल कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत, कोई अनइवन बाल ना दिखे, कहीं से डार्कनेस ना रहे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वीडियो का रिजल्ट जो है वो लास्ट में आपको दिख ही जाएगा, उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है आपको हेयर कट, कैसा लगा है, कैसा हॉबी होगा। अभी तो वीडियो में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी आपको लास्ट में दिखेगा, उसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप इसमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई अगली बार कौन से हेयर कट की, कौन सी स्किन की, कौन से फेशियल की आपको वीडियो चाहिए। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको डाल सकूँ चैनल पर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, जो इस फील्ड में नए हैं या जो कस्टमर हैं जो काम करवाना अच्छा पसंद करते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे से। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक इसमें मिलेगा आपको, तो उस पर भी आप हमारे पेज पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम साइड हमने ओके कर ली है, अब जो मिड पार्ट है मतलब बीच के जो बाल हैं, अब उसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि ये ठीक से खड़े हो पाए, मर्ज हो जाए बाल सारे। इसको हम पहले मर्ज कर लेते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अपर के जो बाल हैं, ये देखिए आपके काफ़ी बड़े हैं, तो इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करेंगे तो एक फिनिशिंग आ जाएगी, जो हमारे टिप्स हैं बालों के उसको हम इवन कर लेंगे। साइड हमारी तकरीबन कंप्लीटेड है, जो 19-20 कमियां हैं वो अभी हम फिनिश करने से पहले इसको ज़रूर एक बार चेक करेंगे। बालों में पानी वैसे कम मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाल ज़्यादा बड़े हैं तो हाथ से फिसल भी रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पानी लगा के हेल्प लेनी पड़ रही है। वैसे मैं ज़्यादातर बिना पानी के ही हेयर कट करता हूँ, क्योंकि बिना पानी के हेयर कट करने से क्या होता है कि एक तो बाल आपके सारे इवन हो जाते हैं, कोई चिपकता नहीं है, और कोई छोटे बड़े बाल नहीं रहते। और सबसे बड़ी जो मेन बात है वो फेस के अकॉर्डिंग होती है, फेस के अकॉर्डिंग जो बंदा हेयर कट कर दे वही हमारी लाइन में मास्टर है। इस फेस पे हेयर कट बहुत सूट करेगा, क्योंकि ये फोटो नेट से निकाली थी इन्होंने, और ये कट आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। बने रहिए यहाँ पे, काम आपका चलता हुआ देख ही रहे हो आप। अभी हमने पार्टीशन कर लिया है, पार्टीशन को जो है वो हम नीट एंड क्लीन करेंगे। पहले हम इसको साइड से, पहले हम ट्रिमर से इसमें एक लाइन पार्टीशन करेंगे, ताकि जो
पफ वाला एरिया वो अलग हो सके, ताकि इधर के बाल ना इधर आ सके ना उधर के बाल इधर जा सके, इसलिए लाइन मारी जाती है। अब यहाँ पे हमने देखो पार्टीशन कर दिया है ट्रिमर से, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा रेजर से फिनिशिंग दे देंगे ताकि ये और ज़्यादा ब्राइट दिखे और ज़्यादा क्लीन लगे। ये यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने रेजर का यूज़ किया है और स्ट्रेट लाइन खींचनी है। कई लोग हेयर कट करते हैं तो वो क्या करते हैं, तिरछी लाइनें ज़्यादा खींच देते हैं, उससे क्या होता है कटिंग का हेयर कट का स्टाइल जो है ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमने ट्रिमर से और शार्प कर लिया है कट वाली लाइन को, जो ये हमने अलग से डिज़ाइन बनाया था, जो हमारे मैंने कहा था 19-20 जो बाल होंगे उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पार्टीशन करने के बाद देखो छोटे बड़े बाल काफ़ी दिख रहे हैं, तो उसको हम मर्ज कर लेते हैं। ये मिनी ट्रिमर है जिससे हम बाल काट रहे हैं, ये मिक्सिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये कई लोग सिर्फ सीजर से करते हैं, कुछ लोग मशीन से करते हैं, तो मैं तो मशीन से करता हूँ। बाकी लोगों का तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल शेप दे देंगे, जो आगे से शेप देनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं ट्रिमर के थ्रू। और यहाँ पे हमने देखो ये लाइन बना दी है, इस लाइन से देखो कितना शार्पनेस आ जाएगी हेयर कट के अंदर। और हम ऐसे ही हेयर कट करते हैं जो कि ज़्यादातर आपने फॉरनर वीडियोस में देखा होगा कि ट्रिमर के थ्रू हेयर कट किया जाता है ज़्यादातर, तो मैं ट्रिमर ही यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेंस रखता हूँ, ब्लेड में कम ही यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ब्लेड से एलर्जी वगैरह भी होती है, कुछ पिंपल्स वगैरह भी आ जाते हैं, कई कई लोगों की स्किन पे सूट भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी ब्राइट हेयर कट लग रहा है, कितना प्यारा हेयर कट लग रहा है। मैंने तो अपना काम बहुत बखूबी करा है और यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, बाकी कोई कमी हो तो आप बताना इसमें कि आपको कैसा लग रहा है क्या है, कोई कमी हो कोई सजेशन हो कोई आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो किसी हेयर कट की तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं लाइव आकर या उस पर वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब यहाँ पे भी जैसे हमने एक साइड में किया, यहाँ पे भी हम कटिंग से उसको साइड दे देंगे, शेप दे देंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल हो जाए बाल। अब यहाँ पे जो साइड में ये एक्स्ट्रा है ये बड़े बाल है, अभी हम इसको मर्ज कर देंगे। ये मर्ज हम मशीन से भी कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं या आप कैसे करवाते हैं। क्योंकि कुछ लोग मशीन लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सीजर लगाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हमने हेयर कट तकरीबन फिनिश कर दिया था, यहाँ पे हम हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं लास्ट में। यहाँ पे पहले हमने बाल गीले किए, फिर उसके बाद हम ड्रायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ड्रायर से क्या होगा, बालों में सूखापन आएगा और ये इजीली खड़े हो जाएंगे। इसके लिए हम पाउडर वैक्स हेयर स्टाइलिंग वैक्स का यूज़ भी करेंगे, पाउडर वैक्स यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे हमने पाउडर वैक्स डाली है बालों के ऊपर, तो इससे स्टाइलिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और बालों में एक चिपचिपापन नहीं आता जो वैक्स के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा लग रहा है आपको, इसके रिगार्डिंग आपको अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है या कोई भी कमेंट हो आपका वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नई वीडियोस आती रहती हैं हेयर कट के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग, तो आप फॉलो कर लेना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना आप, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे वीडियो बनाएं और नए नए हेयर कट आपके लिए लाते रहें।
अट्रैक्शन यूनिसेक्स सैलून हमारा मोती नगर में है, दिल्ली के अंदर, तो आप कभी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो पहले लुक थी और जो बाद में लुक है, उन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि पहले और अब में यहाँ पे हमने पूरा गेम ही पलट दिया है। तो आप ज़रूर इस पे अपनी राय दें, कमेंट दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।